साहब भाई बहनों बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो तुम लोग? तो आज है लॉकडाउन का डे नंबर 16 और एमी वे ने अपनी तरफ से दाग दिया एक और आग का गोला। भाई मतलब कि बड़ा ही खतरनाक आदमी है। यहाँ पर लॉकडाउन के टाइम में जो है सिंगर्स अपने गाने नहीं बना पा रहे हैं और ये भाई साहब एक के बाद एक बम दागे ही जा रहे हैं। मतलब कि दो हफ्ते पहले इनका आया था बतीस्ता बॉम्ब, जब हुए थे इनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर। फिर अभी एक हफ्ते पहले आया इनके असली नकली गाने का वीडियो, जो कि इनके 2017 की ईपी का एक गाना था, उसका वीडियो बना के पता नहीं कैसे डाल दिया। फिर अभी एक हफ्ते पहले जो है खत्म कोरोना गाना आया था कोरोना के ऊपर, और अब जो है 3 घंटे पहले इनका नया गाना आ गया है जिसका नाम है सुपर हिट। मतलब क्या है यार, ये आदमी एक के बाद एक ट्रैक्स बनाए जा रहा है, जहां पर लिटरली मेरे ऐसा आदमी जो मतलब कि जो अपने स्टूडियो में घर में ही स्टूडियो बना के बैठा हुआ काम करता रहता है उसको प्रॉब्लम आ रही है लॉकडाउन की वजह से। वहां पर ये आदमी जिसकी एक पूरी टीम होगी यार, एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है एक सॉन्ग बनाना, वीडियो बनाना होता है, इतनी सारी चीजें करनी होती है, ये आदमी एक के बाद एक गाने डाल रहे। मतलब कि व्हाट्स हैपनिंग विद दिस गाय मैन। ये गाना 3 घंटे पहले आया है और उसके ऑलरेडी 5 लाख व्यूज हो चुके हैं। भाई मतलब इनके नंबर तो कुछ अलग ही जाते हैं। देखो आई होप कि ये कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि इनका जो बतीस्ता बॉम्ब सॉन्ग आया था भयंकर जो हिट हुआ है वो भी बहुत ही ज्यादा हार्ड सॉन्ग था, और उसके पहले जो मालिक आया था मतलब वो तो ऐसा लग रहा था जैसे एमी वे का कमबैक है हार्ड जॉनर में। तो अब देखते हैं कि इस गाने में क्या होता है। बस भाई एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आपको देना है। क्या देना है भाई? कल हमारे चैनल के ऊपर एक पहला सॉन्ग रिलीज होने वाला है। किसका सॉन्ग रिलीज होने वाला है? एक बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, कम लोग जानते हैं लेकिन जो भी जानते हैं वो तारीफ करते हैं। आर्टिस्ट रैपर का नाम है ऑथेन। आपने उनका सनक सॉन्ग तो सुना ही होगा। अब उनका सनक की ही लाइन पर एक और सॉन्ग हमारे चैनल पर आने वाला है। गाने का नाम है 666। मोस्ट प्रॉब्ली कल सवेरे 9 बजे आ जाएगा एंड आई एम श्योर कि आपको ये गाना अच्छा लगेगा। मैंने गाना सुन लिया, मेरे को तो जो वाइब आई है इस गाने से। कल आप मेरे चैनल के ऊपर आइएगा, चेकआउट करिएगा, आपको डेफिनेटली कुछ नए टाइप का म्यूजिक सुनने को मिलेगा। तो चलो मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई छोटी सी मोटी सी हर बार की रिक्वेस्ट है यार, 30,000 का मार्क हम लोग बहुत ही जल्दी छूने वाले हैं, लेकिन आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक नहीं टच कर पाएंगे। तो आपसे वही रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको जरा जोर से टैप मार कर लाल सफेद कर दीजिए। उसके बगल में जो छोटी सी नोटिफिकेशन वाली घंटी उसको भी टंटना दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो आ जाइए, भाई के हैंडल का नाम है @afakyouknow। मैं बहुत सारी अपडेट्स वहां पे करता हूं जो मैं यहां पे नहीं कर पाता, तो वहां पे भी आइए। आई एम श्योर कि आपको कई सारी चीजों पे आप बहुत जल्दी जल्दी जान पाओगे। तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। हां, सो 3 2 1 हियर वी गो। I'm blessed. Yes. I'm healthy. Okay. We're doing good. Great, man. We are the best. We are the best. Me aur meri public. सब लोगों को तकलीफ हार्ड है यार। ए मुझे दे रहे गाली और ये चल रहे मेरे ही राहों पे, डिस करके खुद का सीन बढ़ाना चाहते, हेट करेगा तो कैसे। ज्यादा पॉज नहीं करूंगा, लेकिन भाई मैंने सोचा था मैं इस गाने पॉज नहीं करने वाला, लेकिन कहां पे अभी मैं बोल रहा था आई होप ये डिस्ट्रैक्ट ना हो, और शुरू होते ही दूसरी तीसरी चौथी लाइन जो है वो डिस से रिलेटेड ही आ गई, यानी कि कुछ भयंकर फटने वाला है। भरेगा प्लेट मेरे अब्बा बिजनेसमैन, उसी तरह बेटा बना सेट, भरू प्लेट नेकरे के कोशिश जब कर रहा था साले सब दूर से देख रहे थे, इनके सारे व्यूज फेक है बे, वीडियो शूट या ऑडियो रिकॉर्डिंग दोनों करवाने में देता एक ही टेक में बे, ना लगा कभी ब्रेक, माशाल्लाह इसी तरह चलता रहूंगा, मिस्टेक से सीखूंगा मैं तो, वेक एंड बेक, आई एम ब्लेस्ड टुडे, छोटे करियर बचा ले, डोंट मेस विद मी, मैं नहीं देने वाला मेरा जगह किसी को भी, मेसी की तरह मेरा भी फ्लो मारे स्प्रिंट मूवमेंट, यस आई एम किस रेडी, टेंपरेचर गरम हो रहा है, आई एम वेरी स्वेटी, मेरी डैडी किधर है बोलेगी लेडी, मेरी लेडी नहीं एक्चुअली वो बेबी है मेरी, मेबी मैं मैरी नहीं करने वाला क्योंकि आई एम ऑलरेडी मैरिड, म्यूजिक के साथ म्यूजिक के गॉड बैठे ले, यहां पे म्यूजिकल थॉट है ये, स्पॉट पे फ्रॉड करने वाले को कॉट करते, गाने बज रहे हार्ड वायरल हो रहे, अपन बहुत फटे, बाकी काले खट्टे मीठे बन के घूमे सबके पीछे, मेरा सिक्का ही चलेगा, अपन सुपर हिट है चल, अपन सुपर हिट है, सुपर हिट है चल। अच्छा ये है हुक। अपन सुपर हिट है, सुपर हिट है चल। भाई सुपर हिट तो हाई है यार, हर गाना सुपर हिट, अपन सुपर हिट है, सुपर हिट है चल, चले निकल। शुरू शुरू में लग रहा था मुझे करूं मैं रैप स्टार्ट, घर वाले चाहते थे बनूं डॉक्टर लेकिन मैं स्मार्ट नहीं रहा पढ़ाई के मामले में, सिर्फ 10वीं तक अच्छा पढ़ रहा था, उसके बाद ध्यान देने कम किए घर वाले, उन्हें लग रहा था मैं पढ़ रहा हूं घर पे बैठे ओडा सिटी पे इंस्ट्रूमेंटल चढ़ रहा हूं, रैप किया रिकॉर्ड किया मैं डाला यूट्यूब पे, ध्यान नहीं दिया मैंने व्यूज पे सिर्फ काम किया, इतने सारे गाने बाहर मेरे 10 एल्बम तो डाल दिया, एक रैपर बता दे भारत से जो दिल से काम किया, रैप किया क्लब किया ड्रैप किया चॉप किया सब गाने किया, क्योंकि वर्सटाइल में ये मेरा स्टाइल है, ये छापे मुझको करते खुद का सोचे इनका टाइम है, इनके गाने जो फेमस हुए बेटा उसमें भी तो अपने राय में, हाँ स्टाइल मेरा चोर बाजार के कपड़े पहन के वीडियो पे स्माइल, मेरा शूटिंग में पानी के पैसे नहीं होते थे साइन, मेरा करने का मन हो रहा था अकेला रो रहा था, मौका नहीं दे रहा था कोई, पर मेरा था कोई जो ऊपर से दे रहा था ध्यान, मेरा उसी
कि मैं ऐसे आज दे रहा हूँ ज्ञान मेरा। ए तुम लोग को मुझे मत रोको, मैं खुले आम शॉट दे आया सब लोग को। What the fuck? I miss that. It's okay. कभी कभी चलता है। माफ किया सबने। ए माफ किया सबने। Okay. गलती कबूल है। मैं भी इंसान हूँ। मैं भी इंसान हूँ। मालूम है ना इन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है क्या मालूम है ना लाल उपचे मेले सबको पटपट फुल फॉर्म में लग रहे ले आज तो फुल एक नंबर देते और तेरे अब्बू खड़े ले या मैदान में। रैप गेम में बोले तो शैतान है, शक्ल ही हार्ड है, पहचान है, डिस गेम के हाईवान है, कमर्शियल काम में भी महंगा है, सस्ता नहीं कर लेते काम है बाकी क्योंकि इन्हें दिखता कोई रास्ता नहीं, कर लेते काम ये बाकी क्योंकि इन्हें दिखता कोई रास्ता नहीं, खुद पे भरोसा नहीं, तो तू यहाँ तक कैसे पहुँचा ये तूने सोचा नहीं। ए बातें करने बैठूंगा तो हर एक बातें लगेंगे दिल में, बातें करने बैठूंगा तो हर एक बातें लगेंगे दिल में, शायर से लगता हूँ कभी कभी, तुम भी तो आओ मैं फिल्म में एक नंबर। ए चिल्ला के गाने का हर किसका बस का नहीं, चिल्ला के गाने का अपना ही छक्के, बाकी ये बचकाने माइक पे थक्के, गाने मेरे बारे में दूंगा मैं रखे, बीच सक्के बोलूंगा मुझे हक्के, जो भी मेरे रास्ते में आ रहा खरा धक्के, मैं 12-12 बजे सो के उठे लाऊ बगबे में, जरा नहीं कहीं पे भी सबको दूंगा फटके, पड़े गाने मेरे पास सारे रैपर रो पड़े, सड़े हुए थो पड़े, थोड़े बहुत रो कड़े कमाके धमाके समझे खुद को, किसी पे उंगली उठाने से पहले तुम रुको झुको, मेरा स्लैंग छापे खुद का स्टाइल थोड़ा बहुत दूसरे का ढापे, जिंदगी का पता नहीं जा रहे है कहाँ पे, ये मर्जी का करते नहीं रखे ले सोते ले बापे। जब आपकी सुन शुरू हो गया मामला तो। भाई ये हो क्या रहा है यार, एक डिश खत्म होती है और दूसरी डिश शुरू होती है, मतलब ये क्या है यार। मतलब एमवीपी का मुझे याद है लास्ट टाइम के वीडियो में मैंने ही बोला था कि मैं चाहता हूं कि ये हार्ड आए, लेकिन ये इतना हार्ड ना आए कि भाई पीछे पड़ जाए, और अब ये पड़ गया है, साफ दिख रहा है। बतीस्ता बॉम्ब में कई सारी ऐसी लाइनें थी जो लग रहा था कि टारगेट है दूसरों के लिए, आपको पता है कि इनके लिए, और अब इस वाले गाने में तो ओपन कर दिया। स्टार्ट होते ही डिस की बात कर दी, ठीक है, स्टार्ट होते ही कि मेरा नाम लेके कमा रहे हैं और मेरे अपने गानों में भी मेरी राइम बोल रहे हैं। भाई कौन सी वो राइम स्कीम है भाई इनकी जो किस रैपर ने अपने गाने में डाली है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और पता है मुझे एक चीज़ थोड़ी अच्छी लगी, ये बताते हैं अपने चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा बताया कि घर वाले जाते थे पढ़ाई कर, लेकिन मैं स्मार्ट नहीं था कि मैं इतना कि मैं पढ़ाई में लूँगी, मैं कोई और चीज़ कर रहा होता था, मैं ऑडासिटी के ऊपर लगा रहता था। ऑडासिटी जिनको नहीं पता उनको बता दो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है ऑडियो एडिटिंग का, जिसके ऊपर आप नॉर्मल एडिट्स कर सकते हो ऑडियो के, तो मैं उसके ऊपर बैठ के अपना काम करता रहता था, सीखता रहता था। जब मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं होता था तब मेरे साथ मेरा गॉड था। कई बार मैंने सोचा कि मैं लेबल साइन कर लूं, लेकिन ऊपर वाला मुझे देख रहा था तो मैंने नहीं करा, मैं अपने काम पे लगा रहा। अच्छा भाई एक जो बीच में बोलते हैं कि मेरे से गलती हो गई मुझे माफ़ करना, मैं भी एक इंसान हूँ सॉरी, कुछ ऐसे करके लाइन आती है ना, तो देखो वो इतना इंटेलिजेंट लिखा गया था, ठीक है। पहले उन्होंने बोला था वन टेक में गाने बना रहे हैं, वन टेक में वीडियो शूट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसी सॉरी वाली लाइन आती है तो ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्होंने वीडियो मैसअप कर दिया, ठीक है, जबकि वो वीडियो नहीं मैसअप हुआ, वो दूसरा शॉट लिया, वो कहीं और का शॉट था, वो दूसरे एंगल कैमरे से शॉट लिया था। जो पहला वाला जो जिसमें चल रहे हैं ट्रेडमिल के ऊपर चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं पता नहीं, वो वैसे ही फिक्स है पूरे गाने में, लेकिन बीच में वो शॉट डाल देते हैं वो सॉरी वाला। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो ये सॉरी बोल रहे हैं कि भाई मैं बीच में भटक गया था, मैंने बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें करनी शुरू कर दी थी, इंसान मैं भी, मुझसे भी गलती हो सकती है। जैसे कि अगर आप ये देखो ये गाना 3:52 का, 3:52 52 मैं कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा हिंदी वाली नंबर्स में, तो 3:52 का गाना है। लेकिन इससे पहले जो उनके बीच में कई सारे गाने आए थे, शायद भरोसा था, और उस टाइम पे जो उनके 3-4-5 गाने आए थे वो 2:27 जहाँ मुझे याद आ रहा, कुछ ऐसे ही होते थे। कई सारे लोगों ने फीडबैक दिया कि भाई गाने लंबे करो, इन्होंने गाने लंबे कर दिए, कई सारे एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे उस टाइम पे, लोग कह रहे थे भाई आप लिरिक्स पे ध्यान नहीं देते, इन्होंने लाइव स्ट्रीम में एडमिट भी करा था कि हाँ चलो ठीक है भाई मैं और ध्यान दूंगा, आप लोग कह रहे हो मैं सुन रहा हूँ, मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा, मेरे फैंस जो बोलते हैं मैं उस पर ध्यान दूंगा। तो और इस वाले गाने में बतीस्ता बॉम्ब भी मुझे अच्छा लगा था, कई लोग कह रहे नहीं अच्छा था, भाई मेरे को सही लगा था, आपको जो लगा आप कमेंट में बताना।
ये गाने का लिरिक्स भी मुझे ठीक लगे, बतीस्ता ओम के भी मुझे ठीक लगे, मालिक के भी सही लगे। मतलब इनको रियलाइज हो गया कि इनकी जनता इनको हार्ड अवतार में देखना चाहती है। तो शायद मुझे लग रहा है वो जो सॉरी वाली बात थी हुई थी कि सॉरी भाई मैं बीच में इधर उधर चला, गुस्से में इधर उधर चला जाता हूँ वाली बात हो गई थी। लेकिन अब मैं फिर से अपने मेन जॉनर के ऊपर आ रहा हूँ जो है मेरा हार्ड एमिवे बंटाई का अवतार। व्यूज फेक की भी बात कर दी, ठीक है। अब व्यूज फेक की बात मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ ओपनली बोलते आगे चल गाने में जो क्लियरली बोला गया था कि भाई मास्टहेड का एडवर्टाइजमेंट खरीदा गया था, ठीक है, वो उस कंपनी ने खरीदा था, मैं अभी कंपनी का नाम भूल रहा हूँ जिन्होंने ये गाना स्पॉन्सर करा था, उन्होंने मास्टहेड खरीदा था यूट्यूब का ताकि प्रमोट हो। लेकिन एमिवे ने उस चीज को ऐसे बोला कि भाई व्यूज फेक, वो सब स्टार्टिंग में सब ये बोल रहे थे, फिर जब रफ्तार आए थे अपने लाइव स्ट्रीम के ऊपर उन्होंने क्लियर करा था कि भाई देखो उस कंपनी ने वो मास्टहेड यूट्यूब का खरीदा था जो काफी महंगा, शायद 1.5 करोड़ या 2 करोड़ का उन्होंने कुछ बताया था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, इतने की वो एडवर्टाइजमेंट होती है जो उस कंपनी ने खरीदी। लेकिन एमिवे ने बोल दिया कि भाई देखो ये अपने व्यूज फेक ला रहे हैं, सीधे शॉट्स फायर रफ्तार को। फिर कृष्णा की तो भाई बड़ी सारी जगह बात हो गई, आखिरी में है ना जाके अपने बाप की सुन, वो तो ये वाली चीज तो पीछे पड़ गए, फिर मेरा नाम लेकर डिस कर रहे हैं और ऐसी बड़ी सारी चीजें। मतलब यार मैं जब ये सोचता हूँ कि अब कृष्णा, मैं क्या सोचता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब देखो कृष्णा ने बोला था कि भाई अब मुझे थोड़ा बीफ गेम और डिस गेम से दूर रहना है और मुझे अपनी आर्ट की तरफ फोकस करना है, मेरी एल्बम आने वाली है। तो अभी चैनके का गाना आ गया, कुछ दिन बाद भूत बनेगा आ गया और अब आ गया ये सुपर हिट कृष्णा का। मुझे लिटरली ये सीन लग रहा है जब वो अपने जीवन में शांति से काम करना चाह रहे हैं तब उनको घेर लिया गया। अब भाई देखो दिक्कत पता है क्या, भाई कृष्णा ने इतने सारे लोगों से फसेड़ी भी तो ले रखी है कि वो छोड़ेंगे नहीं, जिसको जहाँ मौका मिलेगा वो हमला करेगा और वही हो रहा है। जब लास्ट टाइम इन्होंने अपना गाना डाला था तो कृष्णा ने एक स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने वैसलीन की फोटो डाली थी और कहा था उसको एंटोपिल भिजवा दो या भिजवा दिया समथिंग। अब देखते हैं कि इस गाने के बाद अगर कोई कृष्णा की स्टोरी आएगी। जैसे कृष्णा बोलते हैं कि अगर दम है तो मेरा नाम लेके देख, ये नाम तो नहीं ले रहे लेकिन भाई ये नाम के अलावा सब कुछ ले रहे हैं अपने गाने में ऑब्वियसली। तो देखो भाई मेरे को तो ये गाना ठीक लगा, एक चीज मैं खाली बोलूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसका हुक थोड़ा और बेटर हो सकता था, इसके हुक में थोड़ी हुक वाली बात कमी लग रही थी, थोड़ा सा बस हुक वाली पार्ट मिसिंग थी, बाकी गाना बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। अपने सारे एनिमीज को, अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को मैसेज दे दिया है कि भाई तुम मेरी तरह फ्लो करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टाइम चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सारी बातें इन्होंने कर दी। तो मेरे हिसाब से तो एमिवे अपने ओल्ड अवतार में वापस आ चुके हैं और ये तीसरा गाना है उनके ओल्ड अवतार वाला मालिक बतीस्ता बॉम एंड नॉट दिस वन। तो लगता है कि एमिवे फ्यूचर में और भी मचाने वाले हैं। तो चलो वीडियो में एंड करते हैं, जाते आते भाई 2-3 चीजें आपको बताऊंगा। कल अपने चैनल के ऊपर ओथैन का गाना आ रहा है, गाने का नाम है 666, मोस्ट प्रॉब्ली सवेरे 9 बजे तड़ गाना आ जाएगा, फटाफट आके देखिएगा, आपको उस गाने का फील डेफिनेटली अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया मैसेज करा है, मैसेज कन्वे करा है उस गाने में, मैसेज को समझने की कोशिश करिएगा, लिरिक्स को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दूसरी चीज़ है कि भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बहुत जल्दी 30K का मार्क कवर करने वाले हैं, 28 हो गए ना, 28, 100 या 200 हो चुके हैं, 30 को अपने को फटाफट पकड़ने का है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन उसका एक जो डब्ल्यू मार्क लाल से सफेद कर दीजिए, उसके बगल में छोटी सी नोटिफिकेशन वाली घंटी उसको भी टन टना दीजिए। इंस्टाग्राम पे आइए, फॉलो करिए, ID का नाम है @FAQNO। मैं आपसे कल फिर मिलता हूँ, 16 दिन का 16 वीडियो आपके लिए ये था, 17 दिन का 17 वीडियो मैं कल डेफिनेटली आपके लिए लेकर आऊंगा। तो भाइयों बहनों इस वीडियो में नहीं, मैं अपना अगला वीडियो लेकर जल्दी वापस आऊंगा। टिल देन नया नया म्यूजिक सुनते सुनाते रहिए, अपने गानों को सस्ते संगीत से बचा आगे रखिए एंड #म्यूजिक सुनाओ म्यूजिक बचाओ को फॉलो करिए। अब भाई।